व्हाट अ नाइस स्टोरी। जी हम बात कर रहे हैं हाल फिलहाल में एक तमिल फिल्म जिसका नाम नेथरीकन, जिसे हाल फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कर दिया गया रिलीज। और इसे देखने के बाद मैं कहूँगा कि एक और मास्टरपीस जो आपके सामने आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो इसे जाके जरूर देख ले। और ये मैं इंट्रो से पहले क्यों कह रहा हूँ और आपको देखनी चाहिए या नहीं तो वो भी आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए तो आपको हमारे साथ इस रिव्यू में बने रहना होगा। तो चलिए शुरू कर देते एक इंट्रो के साथ। कास्ट की बात करें तो आपको नयनतारा नजर आएंगी जो मेन लीड में इसके अंदर आपको नजर आने वाली है, और साथ में अजमल आमिर नजर आएंगे और मंडी गर्डन कंडन कुछ ऐसे नाम है वो भी नजर आएंगे, और भी कास्ट आपको नजर आने वाली है। अब ज्यादा दूर नहीं जाते, स्पॉइलर निकालते, सीधे स्टोरी पे। अब स्टोरी है भाई अंधी वूमेन है नयनतारा, जी हाँ, और उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी उसे गवाही देनी है कोर्ट में, लेकिन जो मुजरिम है ना वो उसे गवाही देने से रोक रहा है। और उसने क्या ऐसा किया है, क्या नयनतारा ने देखा है जो वो बताना चाहती है कोर्ट में, तो आप सबको ये जानना है तो आपको जाके इस फिल्म को देखना होगा। अब बात करेंगे स्टोरी कैसी थी, कैसी मुझे लगी, तो सबसे पहले बताओ स्टोरी काफी अच्छी है, बेहतरीन है, एक यूनिक सा पॉइंट आपको दिया है और काफी अच्छी तरीके से इसे प्रेजेंट भी किया है आपके सामने। यानी कि बात करें करेक्टर राइटिंग भी ठीक ठाक लिखी है बहुत ही अच्छी तरीके से, और नयनतारा का जो काम था उसे देख के लग रहा है कि करेक्टर राइटिंग पर काफी ज्यादा जोर डाला गया है। ये एक डार्क मूवी है, हाल फिलहाल में कृति नामक एक फिल्म और आई होगी आपने देखी होगी, जी हाँ वो भी एक डार्क मूवी है उसी की तरीके से, लेकिन इसकी जो स्टोरी अलग है। और भाई इसके अंदर जो काम हुआ है, यानी विलन ने ऐसा काम किया तो आप कहोगे उसे देखने के बाद आपको नफरत होने वाली है पूरी तरीके से, और नयनतारा को देखने के बाद दया आने वाली, इमोशनल होने वाली है, तो यही इस फिल्म की काफी बड़ी कामयाबी है। जी हाँ दोस्तों बात करें स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले आपको बोर तो नहीं करेगा, लेकिन हल्का फुल्का आपको लग भी सकता है, लेकिन जो इसके अंदर सस्पेंस ट्विस्ट दिखाए गए ना वो आपको फिल्म के साथ बांधे रखते हैं, और आप ना बंधे रहोगे और क्लाइमैक्स तक आप इस फिल्म को कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले। जी हाँ फिल्म बहुत ही ज्यादा शानदार थी। वहीं बात करें प्रोडक्शन क्वालिटी की तो वो भी ठीक ठाक है, और वीएफएक्स और सिनेमोग्राफी पर अच्छा काम किया गया, जो कैमरा वर्क है ना, जो डार्क एंगल दिखाया गया वो भी अच्छा खासा ठीक ठाक ही दिखाया गया। वहीं बात करें इस फिल्म के अंदर जो बीजीएम था वो भी अच्छा था। बात करें एक्टिंग की तो भाई नयनतारा ने अच्छा खासा काम किया, और भी जो अजमल आमिर थे उन्होंने भी सही ठीक ठाक ही काम किया। लेकिन अब बात करिए ये फिल्म आप देखें ना देखें, परिवार के साथ देख सकते हो या नहीं, तो सबसे पहले आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो। जी हाँ वही बात कर ले आपको ये देखनी चाहिए या नहीं, तो भाई ऐसी डार्क न्यू मिस्ट्री फिल्म अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर जाके इसे देख लीजिएगा। जी हाँ और मैं आपको मिलने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर, यहाँ जाके फॉलो कर लीजिए, बाकी बातचीत वहीं होंगी, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।